मैं तो रिकॉर्डिंग करता आज हूँ, डाउनलोड की नहीं कर सेशन जो पाऊंगा। है हमारी स्टार्ट करते हाँ हैं। हाँ आज की सेशन में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। हमने रेंज के बारे में कल की क्लास में पढ़ा और हमने अभी तक चारों ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। रेंज पढ़ चुका हूँ, वर्कबुक पढ़ चुके हैं, शीट्स पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन के भी एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे आप। अब बारी आती है वीवीए कंसेप्ट में जूझने की, जो कि हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। कई बार मुझे आपने देखा होगा कि एम एन एक्स वाई कुछ इस तरह का वेरिएबल लेते हुए, कई बार देखा होगा आपने। तो क्या है वेरिएबल? जैसे हमने बोल दिया था कि आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स ले लिया, इनपुट बॉक्स। तो आर क्या है, चलिए इसके बारे में डिसाइड बात करते हैं। देखिए एक्सेल में जब कुछ होल्ड करना होता है तो हम एक सेल लेते हैं ना, कि मुझे मान लीजिए 20 लिखना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, या कैलकुलेट करना है कि 20 + 30 तो हमने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया। तो वैल्यू स्टोर कहाँ है? D2 के अंदर, C1 के D2, मतलब कि बुक 1 के C1 के D2 के अंदर। तो एक लोकेशन है ना, एक सेविंग लोकेशन। बट अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूं तो कहाँ जाएगा, इसका लोकेशन क्या है? कुछ है नहीं है ना। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा कि हम आर इक्वल टू 50 कर लिए, या फिर हम 50 + 20 करते हैं ताकि उसका रिजल्ट जो 70 है वो हमें आर पे स्टोर करे। फिर आगे जहां हमें आर की जरूरत पड़ेगी वहां हम उसको ले लेंगे, मतलब कि जहां हमें 70 की जरूरत पड़ेगी वहां पे आर को ले लेंगे, जो कि आप पिछले प्रीवियस क्लासेस के अंदर में आपने देखा था। ठीक है, आगे 70। तो आखिर ये होता क्या है? ये होता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं टेम्परली सेविंग लोकेशन। टेम्परली इसमें बोलते हैं कि जो माइक्रो क्रिएट होता है उसी माइक्रो के लिए होता है, माइक्रो खत्म इसका अस्तित्व खत्म। लेकिन इसको इस तरह से नहीं, इसको हम डिफाइन करना होता है हमें। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि डिम, यहां हमें हमेशा डिफाइन सबसे ऊपर कीजिएगा, ठीक है। तो डिम आर एज ए, हमने बोल दिया इंटीजर, ठीक। हमने क्या किया, डिफाइन किया। अभी चीज को समझिए कि क्या है। तो डिम मतलब डायमेंशन, जैसे सब होता है, सब फॉर सब्जेक्ट होता है, जैसे फोर होता है लूप में, जैसे बिथ होता है, उसी तरह का ये भी है डिम जो फिक्स है। आर की जगह पे आप अपने हिसाब से कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल एक ही बार यूज करेंगे, मतलब कि आप एक नाम के एक वेरिएबल ही ले सकते हैं, एक नाम के दो वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद एज ए इंटीजर, इंटीजर हो गया इसका टाइप, इसको हम कास्ट कर सकते हैं, मतलब कि आर के ऊपर इंटीजर ही शो होगा। कि मैं आर इक्वल टू, अगर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे कि आर इक्वल टू कोई टेक्स्ट लिख दिए, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा मुझे टाइप मिसमैच का एरर आया। आया टाइप मिसमैच का एरर, क्यों आया टाइप मिसमैच का एरर? क्योंकि हमने गलत डेटा स्टोर किया है। तो हम डिफाइन कब करते हैं? जब हमें एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए, ठीक है। या फिर यहां पे कई बार देखते होंगे कि जैसे मैक्रो में ऑप्शन एक्सप्लिसिट करके एक आता है, ऑप्शन EXPLIET, इसके स्पेलिंग भूल गया मैं। सर PLIT होगा सर, LICIT सर, LICIT होगा CIT। CIT। हाँ, अगर मैंने ऐसा कर दिया और इस केस में मैं वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, यहां ध्यान रखिएगा, मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो फिर मेरा आर वर्क नहीं करेगा। कर रहा है वर्क? नहीं कर रहा है ना सर। लेकिन जब मैं इसके अंदर कॉमा कर देता हूं और फिर रन करता हूं तो फिर आर मेरा वर्क करेगा। क्लियर है सर? तो यहाँ पे डिम आर एज, अब क्या क्या अवेलेबल होते जान लेते हैं। तो डिम बी एज ए बाइट, हमने क्या किया, बाइट मतलब बी के ऊपर मैं 0 से लेके 255 तक का नंबर सेव कर सकता हूं, विदाउट माइनस विदाउट डेसिमल। आता है बी एल एज ए बुलेन, मतलब मैं बी एल के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स डिफाइन कर सकता हूं। फिर आता है डिम आई एज ए इंटीजर, तो
मतलब आई के ऊपर मैं -32,000 से +32,000 समथिंग कुछ होता है अमाउंट डाल सकते हैं, इससे बड़ा नहीं डाल सकता हूँ मैं, 32,000 हो गया, पर डेसिमल ए भी नहीं लेगा। फिर आता है डिम एल एज ए लॉन्ग, लॉन्ग में हम एल इक्वल टू मैंने 32,000 से भी ज्यादा और प्लस में 32,000 से ज्यादा डाल सकते हैं, बट डेसिमल ए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है डिम डी एज ए डबल, डी एज ए डबल, तो डबल में सबसे ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं और साथ में डेसिमल माइनस प्लस दोनों कर सकते हैं। ये थी आपकी नंबर्स के लिए, तो नंबर के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिम डी टी एज ए डेट, इसके अंदर आप डेट डाल सकते हैं। अब डेट को मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में डाला कि 1 जैन 2022, तो डेट में कंसीडर कर लेगा जिसपे कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, टाइम भी इसके अंदर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम दोनों सेम होता है। फिर आता है कि डिम एस एज ए स्ट्रिंग, मतलब एस के ऊपर कोई भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा हम डाल सकते हैं, एस के ऊपर क्या कर सकते हैं, नॉन कैलकुलेटिव डेटा डाल सकते हैं। मतलब उसको आपको ऐसे टेक्स्ट रीड करेगा सर वो। जी हाँ जी, अब क्वेश्चन आता है सर, ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई, क्या तो कास्ट सिस्टम आपने डिवाइड कर दिया कि भाई राजपूत है, ब्राह्मण है, सिख है, ये आपका क्या बोलते हैं कहाँ रहे, तेली है, कुनिया है, क्या? देखिए क्या होता है कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि क्या डिफाइन मैं करूँ, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं डिम वी एज ए वेरिएंट, ये सब कुछ कर देता है। मतलब अगर वी के ऊपर मैंने नंबर डाला तो नंबर में आएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, डेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, एनीथिंग जो इसके ऊपर वैल्यू डलेगी वही हो जाएगा। और जो मैं बिना डिफाइन किए हुए डाता था, जैसे पहले मैंने डायरेक्ट आर ले लिया था ना, तो बिना डिफाइन किए हुए अगर डालते हो तो वो क्या बन जाता है, वेरिएंट बन जाता है। लेकिन बिना डिफाइन किए कभी डालोगे जब ए ऊपर नहीं लिखा हो, इसको हटा दीजिए, तो वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ही आता है, दो क्वेश्चन आती है, सर मेरे पास ऑलरेडी वेरिएंट है जिसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, तो मैं ये सारा चीज क्यों से मिला करूंगा, पहला चीज। दूसरा, जब मैं बिना डिफाइन के ही डाल सकता हूं तो डिफाइन करने की जरूरत क्या है? तो बिना डिफाइन किए हुए आप कुछ माइक्रो में यूज कर सकते हैं, सारे माइक्रो में नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। तो इसमें दो चीजें होती है, पहला कन्वर्टेड कन्वर्जेंस, जैसे मान लीजिए कि मुझे आर के ऊपर डेसिमल प्लेसेस भी चाहिए, किसी ने मान लीजिए डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ राउंड हो गया, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस डाल दूंगा तो आपका ऑलरेडी वो राउंड होके ही मैसेज देगा, तो आपको अलग से राउंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ डिफाइन कर चुका है इंटीजर या डिफाइन कर चुके हैं लॉन्ग। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे डेट टेक्स्ट में डालोगे लेकिन डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है साइज, कि हर एक वेरिएबल एक साइज कंज्यूम करता है, हर एक वेरिएबल क्या करता है, एक साइज कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी बाइट की, तो बाइट जो है 2 बाइट का जो है स्टोर करता है, अगर बाइट मैं बात करूं इंटीजर की तो 4 बाइट, ऐसे ही सबसे ज्यादा आपका वेरिएंट जो है कवर करता है। तो वेरिएंट जो सबसे ज्यादा कवर करता है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बड़ा भाई होगा डाटा, तो आप सिर्फ वेरिएंट 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 ही लेते हैं तो क्या होगा, क्या आपका माइक्रो हैवी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या फर्क पड़ता है, बाइट ही तो है हमारे पास, तो इतने सारे ये है हार्ड डिस्क है, रैम है, काफी ज्यादा है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है आर आर, इसका जो ये होता है साइज होता है 255 KB से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर,
तो वेरिएबल समझ में आया आपको?